रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने नीलामी में 6 गेंदबाजों को खरीदा, क्या अल्जारी जोसेफ बन पाएंगे हर्षल पटेल का रिप्लेसमेंट? अल्जारी जोसेफ के लिए बेंगलोर ने 11.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वहीं रिंकू सिंह से लगातार 5 छक्के खाने वाले यशदयाल को आरसीबी ने 5 करोड़ रुपए में खरीदा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल 2024 में खिताबी सूखे को खत्म करने के लिए एक बार फिर जोर लगाएगी। टीम ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्कोर को डिफेंड करने के लिए ऑक्शन में सिर्फ गेंदबाजों को ही खरीदा। टीम ने 6 खिलाड़ी खरीदे और सभी के सभी गेंदबाज और ऑलराउंडर थे। अल्जारी जोसेफ के लिए बेंगलोर ने 11.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। टीम ने लॉगी फर्गुसन को एक्सेलरेट ऑक्शन में खरीदा, जो एक सकारात्मक चीज रही। वहीं टॉम करन और स्वेपिल सिंह के रूप में 2 ऑलराउंडर खरीदे। आरसीबी के पास बनिंदु हसरंगा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और टीम के पास अच्छे स्पिनर की कमी है। युजविंदर चहल पहले ही टीम से जा चुके हैं। इसके अलावा हर्षर पटेल के जाने से डेथ ओवर गेंदबाजी भी कमी हो गई है। 4 विदेशी खेल सकते हैं और डुप्लेसी मैक्सवेल का खेलना तय है। 17.5 करोड़ के कैमरन ग्रीन भी ऑलराउंडर की भूमिका निभाते आएंगे। ऐसे में प्लेइंग 11 में एक विदेशी खिलाड़ी के स्लॉट के लिए अल्जारी जोसेफ, रीस टॉपले, फर्गुसन और टॉम करन के बीच जगह बनाने के लिए लड़ाई होगी। हालांकि ये सभी चिन्नास्वामी में किसी भी स्कोर को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं, इस पर अभी भी सवालिया निशान है। नीलामी में जिन खिलाड़ियों को आरसीबी ने खरीदा, अल्जारी जोसेफ 11.50 करोड़, यशदयाल 5 करोड़, टॉम करन 1.5 करोड़, लॉगी फर्गुसन 2 करोड़, सुपिल सिंह 20 लाख, सौरभ चौहान 20 लाख रुपए। टीम फॉर्मेट के हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स की पूरी टीम सलाइम बल्लेबाज फॉफ डुप्लेसी, विराट कोहली, विल जैक्स, मध्यक्रम रजत पाटीदार, सूर्यस प्रभुदेसियाई, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लैमरोर, मनोज भंडेरा, टॉम उर्करैन, स्वेपल सिंह, तेज गेंदबाज आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, रीश टॉपले, विशाख विजय कुमार, राजन कुमार, अल्जारी जोसेफ, लॉगी फर्गुसन और यश दयाल। स्पिनर करण शर्मा, मयंक डागरे, हिमांशु शर्मा, सौरभ चौहान। इन खिलाड़ियों के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में किन खिलाड़ियों को और होना चाहिए था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।